नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त चीन के दौरे पर हैं। अरबों खरबों का करार हो रहा है, लेकिन साथ ही सुर्खियों में है मोदी की वो सेल्फी जो उन्होंने चीन के प्रधानमंत्री ली केकियांग के साथ खिंचवाई है। अमेरिका तक में इसकी चर्चा है। प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त चीन की यात्रा पर हैं। अरबों की डील हो रही है, 24 करार पर हस्ताक्षर हुए, दोनों देशों के बीच रिश्तों का एक नया दरवाजा खुला और इन्हीं अच्छी खबरों के बीच एक खुशनुमा तस्वीर ये भी सामने आई। ये सेल्फी है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के प्रधानमंत्री ली केकियांग साथ नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी बीजिंग के टेंपल ऑफ हेवन पहुंचे थे चीन की इस ऐतिहासिक धरोहर को करीब से महसूस करने के लिए, लेकिन इस मौके पर उन्होंने एक ऐतिहासिक फोटो फ्रेम के साथ अपनी मौजूदगी को दुनिया के सामने ऐसे पेश किया जो इस वक्त धूम मचा रही है। टेंपल ऑफ हेवन में प्रधानमंत्री मोदी के साथ चीन के प्रीमियर ली केकियांग भी मौजूद थे, वहां की जानकारी से मोदी को वाकिफ करा रहे थे। योगा और ताइची संयुक्त अभ्यास को देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध था और इन खास लम्हों को और यादगार बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने पहल की और अपनी सेल्फी के फ्रेम में ली केकियांग को भी तुरंत शामिल कर लिया। मोदी की सेल्फी इंटरनेट पर वायरल हो गई। इसका आभास उन्हें भी रहा होगा, तभी सेल्फी के बाद ट्वीट किया, ये सेल्फी टाइम है, प्रधानमंत्री ली का धन्यवाद। अब बारी थी ताइची योगा संयुक्त अभ्यास को पेश करने वाले बच्चों के साथ सेल्फी की। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रधानमंत्री चीनी बच्चों के साथ मानो खुद एक बच्चा बन गया था। हंसी खुशी हर किसी को मोदी अपनी सेल्फी में जगह देना चाहते थे, काफी हद तक कामयाब भी रहे। जी हाँ, एक बार नहीं, कई बार चीनी छात्रों के साथ सेल्फी का फ्रेम तैयार किया। प्रधानमंत्री मोदी शुरू से ही समाज में विचारों के आदान प्रदान के लिए सोशल मीडिया की हिमायती रहे हैं। उन्हें आज की युवा पीढ़ी से कदम ताल करने के लिए और उन तक अपनी बातों को पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया की अहमियत का अंदाजा है। बीजिंग में अंजना ओम कश्यप के साथ आज तक ब्यूरो। पीएम मोदी की सेल्फी की धूम परदेश तक में मची हुई है। अमेरिकी अखबारों और पत्रिकाओं ने इसे इतिहास की सबसे शक्तिशाली सेल्फी करार दिया है। हम आपको ये भी बता दें कि सेल्फी पोस्ट करने के महज 2 घंटे में ही उसे हजारों बार शेयर किया गया। एक से बढ़कर एक नायाब तस्वीरें, कहीं चीन के प्रधानमंत्री के साथ तो कहीं तस्वीर में चीन के होनहार बच्चों के साथ प्रधानमंत्री मोदी की सेल्फी। चीन में वैसे ही नमो नमो की धूम मची है। अब इस नई सेल्फी ने मोदी का क्रेज और बढ़ा दिया है। देखिए कैसे जब मोदी ने चीनी पीएम ली केकियांग के साथ सेल्फी खींची तो उसके बाद ताइची योगा पेश करने वाले बच्चों में भी होड़ मच गई भारतीय प्रधानमंत्री के साथ फोटो फ्रेम में आने की। स्मार्टफोन में दुनिया के 2 ताकतवर शख्स की तस्वीर धरती के पूर्वी हिस्से में उतारी गई, लेकिन उसकी चमक से पश्चिम का अमेरिका भी हैरान है। अमेरिका के मशहूर अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि क्या मोदी ने अभी इतिहास की सबसे शक्तिशाली सेल्फी ली है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखा है कि दुनिया के 2 सबसे बड़े देशों के प्रधानमंत्रियों ने करीब आकर राजनीतिक तौर पर इतिहास की सबसे ताकतवर सेल्फी खींची है।
फोर्ब्स मैगजीन में छपे एक आर्टिकल में लिखा गया है कि मोदी के ट्विटर पर सेल्फी पोस्ट के महज 2 घंटे के भीतर ही उसे 2200 बार शेयर किया जा चुका है। दुनिया के 2 सबसे मजबूत नेताओं की ये सेल्फी है। पीएम मोदी के सेल्फी प्रेम से दुनिया भी अनजान नहीं है। ट्विटर पर भी नरेंद्र मोदी के 1,23,00,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। अमेरिकी चैनल CNN ने भी ट्वीट किया है कि दुनिया के इन 2 बड़े नेताओं ने अभी तक की सबसे ताकतवर सेल्फी खींची है। इन्होंने नया सेल्फी इतिहास बनाया है। यकीनन एक तस्वीर हजारों शब्द कह सकती है, लेकिन ये सेल्फी दुनिया की 1/3 आबादी की जुबा बनी है। सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक के संस्थापक मार्क जकरबर्ग ने भी मोदी और केकियांग की सेल्फी को लाइक किया है और उसकी सराहना की है। प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सेल्फी ने एक बार फिर साबित किया है कि कंप्यूटर और इंटरनेट की दुनिया में भी वो तेज गति से कदम ताल कर रहे हैं। आज तक ब्यूरो। चीन में ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने अपने हर विदेशी दौरे पर सेल्फी के जरिए अपने प्रशंसकों को नया तोहफा दिया है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, जापान हो, फ्रांस हो या फिर फिजी। मोदी ने न सिर्फ सेल्फी ली बल्कि उसमें पहली बार नई तकनीक का भी इस्तेमाल किया।